अगर यूक्रेन का दावा है कि सेमीकंडक्टर चिप की भारी कमी की वजह से रूसी सेना हथियारों की किल्लत से जूझ रही है, यूक्रेन के मुताबिक यही कारण है कि रूसी सेना कई इलाकों में ज़ेलेंस्की की फौज का सामना नहीं कर पा रही है और पुतिन के सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि जंग की शुरुआत से ही रूस आधुनिक और घातक हथियारों में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप की कमी का सामना कर रहा है। हालांकि शुरू में तो उसने जैसे तैसे जंग को आगे बढ़ाया, लेकिन दिन बीतने के साथ ही उसकी हालत खराब होती चली गई। यूक्रेन के मुताबिक मौजूदा वक्त में चिप के बिना रूस की ज्यादातर गाइडेड मिसाइलें, रॉकेट, रेडार सिस्टम और यहाँ तक की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी जंग में किसी काम नहीं आ रही हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसा छोटा पुर्जा है जिसके बिना किसी भी सेंसर लगे हथियार को चलाना नामुमकिन है। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिनमें रूस को सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई करने पर भी रोक थी। कहा जाता है कि रूसी सेना अपनी जरूरत के हिसाब से हथियारों में लगने वाली चिप ज्यादातर अमेरिका, हॉलैंड, जापान और ताइवान से मंगवाती थी, लेकिन इन सभी देशों ने रूस पर यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए। पाबंदी लगा दी जिससे पुतिन की फौज को चिप मिलना बंद हो गई और दावा है कि उसी वक्त से रूस की परेशानी भी बढ़ती चली गई। यूक्रेन का तो यहाँ तक कहना है कि रूसी सेना सोवियत संघ के दौर के हथियारों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई है, लेकिन पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिली हाईटेक मिसाइलों और रॉकेट के सामने रूस के पुराने हथियार बेदम साबित हो रहे हैं और इसी वजह से पुतिन की सेना के हाथों से कई इलाके फिसलते जा रहे हैं।